ग्वालियर में हुए रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। कॉन्क्लेव के माध्यम से नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदेश में बड़ी संख्या में निवेश की संभावना जताई। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में कहा कि देश विदेश के तमाम निवेशक आए हैं जो ग्वालियर चंबल में निवेश का निर्णय लेंगे। इससे व्यापार बढ़ेगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके लिए मैं हृदय से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। भाजपा सरकार में ग्वालियर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ एयर कनेक्टिविटी और हाईवेज भी बढ़े हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का विकास हुआ है। कृषि क्षेत्र में भी तरक्की की गई है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश हो, कृषि आधारित उद्योग की यहाँ आवश्यकता है। ग्वालियर में हार्टिकल्चर बोर्ड का ऑफिस खोला गया है। नूराबाद में इंडो इसराइल के सहयोग से एक्सेलेंस सेंटर भी खोला गया है। इंडस्ट्री बढ़ेगी तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन बहुत ही स्वागत योग्य है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज निवेशक आए हैं वो निवेश करने का निर्णय लेंगे। इससे हमारे यहाँ व्यापार बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years. आप देख रहे हैं दखल न्यूज।